हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एक अच्छा सा चटपटा सा नाश्ता। और चलिए आज बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल। और इसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं दिखा देती हूँ। मुझे चाहिए धनिया, हरी मिर्च, सूजी, 2 आलू कद्दूकस किए हुए, और चाहिए नमक और मिर्च। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने जीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू, और आलू में 2 बड़े आलू लिए हैं मैंने। और इसमें मैं डाल दूंगी पूरा 1 कटोरी पानी। देखिए पूरा 1 कटोरी पानी। और इसमें डालूंगी मैं नमक स्वाद के अनुसार। नमक डाल देती हूँ, नमक भी और मिर्च भी। और इसको अब हम ढक देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें अब डालूंगी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। और देखिए आलू हमारा पूरी तरीके से पक गया है, आलू पूरी तरीके से पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी सूजी, ये 1 कटोरी सूजी है, इसको मैंने ले लिया है। मैं इसमें डाल दूंगी सूजी और इसको अब अच्छे से चलाते हैं। इसको अच्छे से पका देते हैं धीमी धीमी आंच पर। इसको मैंने पूरी तरीके से चला लिया है, अभी मैंने गैस को बंद नहीं किया है, अभी धीमी आंच पे है ये। और मैं इसे अभी 2-3 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी और गैस को कर दूंगी बंद। फ्रेंड्स, अब इस आटे को हम सूजी को परात में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर मथेंगे, अच्छे से गूंथेंगे। आटे को हमने इस तरीके से गूंथ लिया है सूजी को। अब हम इसके छोटी छोटी लोई बना के इसके छल्ले बनाएंगे। और इस तरीके से हमने छोटी छोटी लोई बनाकर इनको हाथ से रोल कर लिया है, ये देखिए ऐसे। और अब हम इसको दोनों को इस तरीके से जॉइंट करके सर्कल बना लेंगे, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे। और ऐसे ही मैं सारी चीज सबको इसी तरीके से सर्कल बना बना के जॉइंट कर लूँगी, ये देखिए ऐसे। मैंने बना के भी रखे हुए हैं कुछ, ये देखिए मैंने सेक भी लिए हैं, देख सकते हैं आप। मैं सेक भी रही हूँ और बना भी रही हूँ, और इस तरीके से मैं इनको उठा के अब कढ़ाई में डाल रही हूँ, ये देखिए। इस तरीके से मैं इनको सेकूंगी। अब मैं इनको सेकूंगी मीडियम आंच पे, देखिए अच्छा सा कलर आने पर मैं इनको थोड़ा सा पलटूंगी। जैसे ये मैंने पहले डाला था, इसको मैंने पलट दिया है। और ये एकदम इतनी कुरकुरे और क्रंची बनेंगे ना फ्रेंड्स ये स्नैक्स, आप इसको पता नहीं चलेगा कितना खा गए। और 2 मिनट में बस आलू को कच्चे ही कद्दूकस कीजिए, बस फटाफट तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी तैयार होता है ये बनके। सॉस के साथ बच्चों का फेवरेट है, और इसकी आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं अब दूसरी शेप में भी बना के आपको दिखाऊंगी। चलिए दूसरी शेप में भी बना लेते हैं। इसको मैं सर्कल बना लूँगी और हल्का सा हथेली से दबा दूँगी। इसी तरीके से मैं ऐसे सारे बनाऊँगी। दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी, एक छल्ले वाले और एक ये वाले। अब मैं इसमें बीच में जो है एक छोटा सा छेद कर दूंगी। अब चाहे आप उंगली से कर लीजिए, चाहे आप नाइफ से कर लीजिए, जैसा भी आप चाहे, ऐसे इस तरीके से आपको इसको जो है छेद करना है। और आपको इसी तरीके से सब मैं अब सबको कर लेती हूँ। और आप उंगली से करेंगे तो ये मैंने छोटी छोटी बनाई है तो आपसे नहीं हो पाएगी, तो आपको अच्छा होगा कि आप जो है ना नाइफ का प्रयोग करें इस तरीके से इसको, और फिर अंगूठे से और इससे एक शेप दे दें इस तरीके से।
अगर आप एक शेप दे दें इस तरीके से, ये हमारा स्नैक्स को कोई भी रूप दे दीजिए, अच्छा लगता है। देखिए मैंने सभी ने होल कर लिया है। देखिए अब ये सीख चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। और वो वाले डाल देती हूँ, ये देखिए जैसे चावल का बड़ा बनता है उसी तरीके से है। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे तल लिए हैं, और आप इसको छल्ला भी कह सकते हैं, आप इसको चीटोस भी कह सकते हैं, आप इसको छोटी छोटी क्या कहते हैं इडली भी कह सकते हैं, बड़ा इडली बड़ा भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एक स्नैक्स है जो कि मैंने चीटोस को देख करके बनाया है, कि जैसे चीटोस बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे ये भी हैंडमेड बने हुए चीटोस बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो आप भी अपने घर पर ऐसे ही बनाइए बच्चों के लिए। लॉकडाउन और बढ़ गया है तो बस बच्चों को खिलाते रहिए बना बना के। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।